subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बंद हुआ है 17,760 पे, लगभग 221 पॉइंट लॉस के साथ 1.23%। हम शुरू करते हैं एनालिसिस फॉर मंथ फ्रॉम मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे हम फॉर मंथ फिर भी ट्रेड कर रहे हैं लगभग 3.25% ऊपर 560 पॉइंट गेन के साथ। हमने लास्ट मंथ जो है तो 9% की रैली देखी थी, लगभग 1420 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखी थी। और निफ्टी जो यहाँ जो है तो मंथली चार्ट पे दिख रहा है कि 18,450 से लेकर 18,750 के लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ जो है तो मोमेंटम मंथली चार्ट पे बुलिश साइड है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो लगभग 4 हफ्तों के बाद ये पहला हफ्ता है जिसमें निफ्टी जो है तो फ्लैट पॉजिटिव बंद हुआ है। यहाँ नेगेटिव कैंडल दिख रही है क्योंकि जो ओपन था उसके नीचे हम क्लोज हुए हैं, मगर फॉर जो पिछले वीक का क्लोज था उसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ जो है तो 46 पॉइंट का हमने गेन देखा है। तो ये फिफ्थ गेनिंग वीक था, मगर यहाँ कैंडल जो है तो रेड दिख रही है क्योंकि ये जहाँ ओपन हुआ था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसकी वजह से ये आपको रेड कैंडल दिख रही है। यहाँ जो है तो अगर आप ये वीकली चार्ट पे देखोगे तो ऊपर जो है तो आपको 18,150 और 18,450 ये टारगेट जोन देखेंगे। यहाँ सपोर्ट जो है तो बहुत ही डीपर साइड पे है, तो अगर यहाँ करेक्शन आता है तो आपको डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ निफ्टी के लिए जो सपोर्ट मिलता है वो पहला रहेगा 16,950, उसके बाद में 16,650 और उसके बाद में 16,350। तो बहुत ही डीपर सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से करेक्शन आता है या सेल ऑफ आता है तो आपको एक शार्प फॉल जो है तो मार्केट में देखने को मिलेगा। यहाँ जो है तो करंटली मेरा जो व्यू रहेगा वो वेट एंड वॉच रहेगा। हम शॉर्ट साइड के मूव जो है तो देखेंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें अच्छा खासा शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला था, मगर मोस्टली जो है तो मोमेंटम लॉन्ग साइड के तरफ होने की वजह से हमने वो जो है तो उसको अवॉइड किया। यहाँ जो है तो अगर इस हफ्ते की शुरुआत नेगेटिव शुरू होती है तो आपको जो है तो डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है। और 16,950, 16,650 और 16,350 के भी लेवल जो है तो निफ्टी दिखा सकता है अगर डीपर करेक्शन आता है तो। अभी भी जो है तो यहाँ अगर सपोर्टिंग न्यूज़ आती है तो हमें जो है तो ऊपर के जो टारगेट है अभी भी बरकरार है, 18,150, 18,450 के भी टारगेट निफ्टी दिखा सकता है। ये न्यूज़ फ्लो कैसे आते हैं और ये वॉर सिचुएशन पे क्या डेवलपमेंट होता है उस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ जो है तो निफ्टी अभी ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है एज पर वीकली और डेली, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। वीकली चार्ट पे मेरा जो व्यू रहेगा वो वेट एंड वॉच रहेगा। अभी यहाँ जो है तो कोई मेरा लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड नहीं रहेगा। शॉर्ट हम मोस्टली इंट्राडे बेसिस पर लेंगे, जिस तरह से इंट्राडे बेसिस पे हमने फ्राइडे के दिन सेल ऑफ देखा था। यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे 17,700 का लेवल है, अगर ये टूट जाता है और उसके नीचे मार्केट जाता है तो मेरा सेल ऑन प्राइस व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 17,700 के ऊपर, टारगेट रहेंगे 17,300, उसके बाद में 16,950 और 16,650 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 17,700 के नीचे मेरा जो व्यू रहेगा वो बेयरिश बनेगा, वहाँ उसके नीचे सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। टारगेट 17,300, उसके बाद में 16,950, 16,650, ये तीन टारगेट आप स्विंग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर 17,700 के नीचे अगर 17,700 होल्ड करता है तो आपको जो है तो 18,150 और 18,450 की टारगेट जो है तो निफ्टी दिखा सकता है अगर 17,700 का लेवल निफ्टी होल्ड करता है तो। तो 17,700 मेरे लिए लक्ष्मण रेखा रहेगा, उसके ऊपर बुलिश व्यू, उसके नीचे जो है तो करेक्टिव और कंसर्वेटिव व्यू। और जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेल ऑन राइज की बनेगी 17,700 के नीचे। और यहाँ जो है तो ऑप्शन ट्रेडर को भी 17,700 के नीचे पुट ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए, इन द मनी पुट ऑप्शन पे। और 17,700 के ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो आपको जो इन द मनी कॉल ऑप्शन है उस पर बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। तो 17,700 ये मेरे लिए जो डिमार्केशन लाइन रहेगी अगले वीक के लिए, उसके नीचे जो है
तो हम अग्रेसिवली शॉर्ट जाएंगे, उसके ऊपर जो है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लॉन्ग के मौके ढूंढेंगे। तो यहाँ डेली चार्ट पे हम 17700 के ऊपर जब तक है तब तक मेरा लॉन्ग का व्यू बरकरार रहेगा, जैसे ही हम 17700 के नीचे जाएंगे व्यू चेंज हो जाएगा करेक्टिव और कंसोलिडेटिव साइड पे, और स्ट्रैटेजी रहेगी सेल ऑन राइज। वीकली चार्ट पे वेट एंड वॉच मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ जो है तो सपोर्ट जोन बहुत ही नीचे है, तो हो सकता है और यह जो ओवरबॉट जोन ओवरबॉट सिचुएशन में मार्केट, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पुल ऑफ आ सकता है और न्यूज़ फ्लो की वजह से सेल ऑफ भी आ सकता है। तो यहाँ वेट एंड वॉच मोड रहेगा। मंथली चार्ट पे मेरा व्यू रहेगा, जिनके पास प्रॉफिट है अभी निचले लेवल पे जिन्होंने खरीदा है, मेरी सलाह रहेगी कि एक तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए या फिर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ अगर करेक्शन आता है एज पर डेली चार्ट तो बहुत ही डीपर करेक्शन रहेगा जो 16650 तक मार्केट को लेकर जा सकता है। तो यहाँ 17700 शॉर्ट टर्म पे हमारा वेट एंड वॉच लेवल रहेगा, उसके ऊपर बुलिश उसके नीचे जो है तो करेक्टिव और बेरिश पैटर्न बनते हुए दिखेंगे मार्केट में, और उस टाइम पे हम जो है तो मोस्टली फोकस करेंगे पुट साइड पे। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शोर शॉट इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन कॉल चाहिए तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।